एक बार तारापुर गांव में एक गरीब आदमी आलोकनाथ रहता था। उसकी चमेली नाम की एक बेटी थी। जब चमेली शादी के लायक हो गई, तब आलोकनाथ ने उसकी शादी करने की सोची, लेकिन बचत का एक भी रुपया उसके पास नहीं था। इसीलिए आलोकनाथ चिंतित था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी कैसे करे ये नहीं समझ आ रहा था। बचपन से ही चमेली को भूतों और शैतानों की कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। उन कहानियों को सुनकर उसे डर क्या होता है ये पता ही नहीं चला। एक दिन आलोकनाथ ने अपने घर पर एक छोटी सी दावत का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया। आलोकनाथ के बचपन का एक दोस्त टैगोर भी दावत में शामिल हुआ। टैगोर ने चमड़े का व्यापार करके बहुत पैसा कमाया था। वो सभी के साथ बड़े घमंड से बात कर रहा था। आधी रात तक दावत चलती रही। आलोकनाथ के घर में इतने लोगों ने दावत खाई थी कि रोटियां ही खत्म हो गई। जब टैगोर ने और रोटियां मांगी तो आलोकनाथ ने चमेली को बुलाया। बेटी, जरा दादा के होटल जाना और कुछ गर्मा गर्म रोटियां लेकर आ जाना। ये सुनकर टैगोर को हैरानी हुई। दादा का होटल कब्रिस्तान के दूसरी तरफ है ना? क्या चमेली कब्रिस्तान से गुजरने से डरेगी नहीं? मेरे दोस्त, मेरी बेटी को नहीं पता कि डर होता क्या है। चमेली दादा के होटल गई और उसके पिता के कहे अनुसार रोटियां ले भी आई। रोटियां खाने के बाद टैगोर ने आलोकनाथ के पास बैठकर पूछा, क्या आपकी बेटी आधी रात को अमावस्या के दिन कब्रिस्तान जा सकती है और खोपड़ी लेकर आ सकती है? टैगोर, मेरी बेटी को कोई डर नहीं है, सिर्फ एक ही नहीं, अगर तुम उससे कहो तो वो कब्रिस्तान से सारी खोपड़ियां ले आएगी। नामुमकिन, एक लड़की के लिए आधी रात को कब्रिस्तान जाना और वहां से खोपड़ी लाना नामुमकिन है। मेरी बेटी अमावस्या के दिन आधी रात को कब्रिस्तान जाएगी और खोपड़ी लाएगी। तुम चाहो तो शर्त लगा लो। तो टैगोर ने कहा, ठीक है, मैं 100 सोने के सिक्कों की शर्त लगाता हूँ। अमावस्या के दिन टैगोर ने एक बूढ़े व्यक्ति मुशर्रफ को कुछ पैसे दिए और बताया कि आधी रात को कब्रिस्तान में क्या करना है। फिर वो आलोकनाथ के पास गया और बोला, अपनी बेटी को आज आधी रात को कब्रिस्तान भेजो और उसे वहाँ से एक खोपड़ी लाने को कहो। पिता के कहने पर चमेली कब्रिस्तान चली गई। टैगोर की योजना के अनुसार मुशर्रफ कब्र के पीछे एक गड्ढे में छिप कर बैठ गया। कब्रिस्तान में आकर चमेली ने अंधेरे में थोड़ी देर तक खोजबीन की और एक खोपड़ी उठाने ही वाली थी, तुरंत मुशर्रफ ने अजीब आवाज बनाकर जोर से पूछा, कौन आया? चमेली घबराई नहीं और पूछा, आप मेरे बारे में सवाल करने वाले कौन होते हैं? आप बताइए, आप कौन हैं? मैं एक भयानक भूत हूँ। मैं इस कब्रिस्तान की सुरक्षा कर रहा हूँ। और मैं यहाँ सिर्फ एक खोपड़ी लेने आई हूँ। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं लूंगी, आराम से रहो। इतना कहकर उसने वहाँ से एक खोपड़ी ले ली। तब मुशर्रफ जोर से चिल्लाया, अरे लड़की, बेवजह परेशानी में ना पड़, तुरंत यहाँ से चली जा। मैं किसी से नहीं डरती, मेरी इच्छा भूतों से लड़ने की है। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, फिर देखते। मैं तुम्हारी निडरता से प्रभावित हुआ लड़की, लेकिन तुमने जो खोपड़ी ली है वो मेरी माँ की खोपड़ी है, इसे मत छूना। चमेली ने उसे फौरन फेंक दिया और दूसरी खोपड़ी उठा ली। ओ, वो मेरे पिता की खोपड़ी है, तुमने उसे क्यों छुआ? तब चमेली ने उस खोपड़ी को भी नीचे फेंक दिया, लेकिन उसके बाद वो कब्र के पीछे देखने के लिए चली गई। मुशर्रफ का गंजा सर अंधेरे में एक खोपड़ी के रूप में ही दिख रहा था, जो इधर उधर हो रहा था। चमेली ने उसे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। अरे टकले भूत, अगर एक और लफ्ज भी कहा तो मैं तेरे सर को एक पत्थर से ठोकूंगी और खोपड़ी ले जाऊंगी, सावधान रहना। इतना कहते हुए चमेली ने मुशर्रफ के सर पर मारना शुरू कर दिया। उसके साथ मुशर्रफ गड्ढे में बेहोश हो गया। फिर चमेली ने कब्रिस्तान से एक और खोपड़ी ली
और घर वापस आ गई। टैगोर ने शर्त के मुताबिक आलोकनाथ को 100 सोने के सिक्के दिए। उसने ये भी कहा, आलोकनाथ, आपकी बेटी चमेली वाकई एक बहुत बहादुर लड़की है। यदि आप सहमत हो तो मैं आपकी बेटी को अपनी बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। उसने तुरंत टैगोर के बेटे के साथ चमेली की शादी कर दी। एक बार शंभूपुर गांव में वसंत नाम का एक युवक रहता था। जैसे ही उसे शहर में नौकरी मिली, वसंत ने अपना सामान पैक किया और शहर चला गया। उसने एक मकान किराए पर लेने की सोची और तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे कोई घर नहीं मिला। और फिर वो मिला पटेल से। मिस्टर पटेल, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, क्या किराए पर मिलेगा? पटेल ने वसंत को देखा और उसे लगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, तो कहा, इस शहर से थोड़ी दूर पर मेरा एक घर है, आप चाहे तो उस घर में रह सकते हैं। आपको मुझे किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंजूर हो तो बताएं। वसंत को कुछ अजीब लगा और वो चुपचाप खड़ा रहा। पटेल ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपसे ये क्यों छिपाऊं? उस घर को भूतिया घर कहते हैं, उस रास्ते से जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं तो आप उस घर में रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं अब वहाँ उस घर के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर वसंत उस घर में गया, लेकिन जब वो घर पहुँचा तो दरवाजा बंद था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, ताला अपने आप ही खुल गया, दरवाजे भी अपने आप खुल गए, जिसे देख कर वसंत थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो हिम्मत करके घर में दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने घर के अंदर कुछ चमकता हुआ देखा। उसे तीन अजीब आकृतियां दिखाई दी जो साफ नहीं नजर आ रही थीं। अरे बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस घर में कैसे आ गए? तुम कौन हो? इस घर के मालिक पटेल ने मुझे इस घर में रहने के लिए भेजा है। हम बहुत लंबे समय से इस घर में रह रहे हैं। मेरे साथ इस घर में तीन शैतान और रहते हैं। वे बिना एक भी शब्द कहे मेरे आदेश का पालन करते हैं। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो, तुम्हें भी मेरे आदेशों का पालन करना होगा। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं इस घर में ही रहूंगा। तब सबसे बड़े शैतान ने शेष तीन शैतानों को बुलाया और उन्हें वसंत से मिलवाया। एक उसकी पत्नी और बाकी दो उसकी बेटियां थीं। दो दिन के बाद सबसे बड़े शैतान ने वसंत को रोका जब वो बाहर जा रहा था और उसे कहा, वसंत, मैंने तुम्हारे लिए स्वयंवर की व्यवस्था की है। मेरी बेटियां खूबसूरत लड़कियां हैं। मैं ये भी तय नहीं कर सकता कि दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है। किसी को भी बुरा महसूस कराए बिना तुमको ये तय करना होगा कि इन दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है और उससे शादी करनी होगी। जब वसंत ने दोनों युवा भूतनियों को देखा तो वे अजीब तरह से अपने दांत दिखाते हुए हंसने लगी। वसंत ने अपने डर को काबू में किया और नाटक किया कि वो एक बड़ा बहादुर व्यक्ति है और बोला, अगर मैं सच कहूं तो इनमें से एक को गुस्सा जरूर आएगा। मैं इनके गुस्से को कम कर सकता हूं और इन्हें शांत कर सकता हूं। मैं आपको निश्चित रूप से प्रभावित करूंगा। वसंत ने कुछ देर सोचा और फिर दो युवा भूतनियों में से एक पर अपनी पहली उंगली से इशारा किया। ये वाली बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। ये भूतनी बहुत सुंदर है, लेकिन वो अभी भी माता पिता पर क्यों टिकी हुई है? अगर ये भूतनी जंगल में गई होती तो वहाँ के पुरुष भूत इससे शादी करने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते। तब उस युवा भूतनी ने पिता से कहा, उसने जो कहा वो सच है पिताजी, मुझे जंगल में जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो युवा भूतनी वहाँ से उड़ गई। दूसरी भूतनी को ये बात बड़ी बुरी लगी, वो घर के अंदर एक कोने में बैठ गई। तुरंत वसंत उसके पास गया और कहा, वास्तव में तुम सबसे सुंदर हो। अगर मैं ऐसा कहता तो तुम इस घर को छोड़ देती, फिर मैं तुमसे शादी कैसे कर पाता? तो मैंने झूठ कहा और तुम्हारी बहन को यहाँ से भगा दिया, सच कहता हूँ। ये कहकर उसने उस भूतनी को समझाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन अगर मेरी बहन वापस आती है तो क्या करोगे? अगर वो वापस आती है, इसका मतलब होगा कि कोई भी पुरुष शैतान ने उससे शादी नहीं करना चाहिए। तब ये साबित हो जाएगा कि सबसे ज्यादा सुंदर वो नहीं है। वो इस सच्चाई का खुलासा करना पसंद नहीं करेगी, इसलिए वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी। तो फिर तुम मुझसे शादी कब करोगे? मैं एक आम आदमी हूँ और आप भूतनी हैं। हम एक दूसरे से कैसे शादी कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जब चाहूँ इंसान बन सकती हूँ। इस बीच पिता शैतान वसंत के पास आया।
क्या तुमने उसे मना लिया? क्या वो अब खुश है? पिताजी, वसंत मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर पिता शैतान और माँ शैतान इतने खुश हुए कि नाचने ही लगे। उन्हें इस तरह से नाचता देखकर वसंत बोला, नाचना बंद करो, मुझे बताओ कि तुम मुझे दहेज के रूप में क्या दोगी? तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? ये घर, इतना मेरे लिए काफी होगा, कहिए मंजूर है? ठीक है, मैं तुम्हें ये घर दूंगा। शादी के बाद केवल मैं और मेरी पत्नी ही इस घर में रहेंगे, तुम दोनों जाकर किसी और घर की तलाश करो। ये न्याय नहीं है, हमारे रहने से तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो लोग मेरा अपमान करेंगे कि मैं घर जमाही बनकर इस घर में रह रहा हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, खैर हम ये घर छोड़ देंगे, बेटी का ख्याल रखना। जब वे दोनों घर से बाहर चले गए तो युवा शैतान अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक सुंदर लड़की में बदल गई। फिर वसंत ने उससे शादी की और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। लेकिन उस घर को आज भी भूतिया घर ही कहा जाता है। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।